नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज एक बार फिर किलो से जुड़ी हुई अपनी विशेष सीरीज में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जयपुर के आमेर के किले की, जिसकी भव्यता की मिसाल, वास्तु कला की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। आमेर किला, जिसे आमेर का किला या आमबेर का किला के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, के आमेर क्षेत्र में स्थित एक ऊंची पहाड़ी पर पर्वती दुर्ग के रूप में बना हुआ है। यह जयपुर के नगर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक माना जाता है। आमेर की बात करें तो आमेर का कस्बा मूल रूप से मेड़ाओं के द्वारा बसाया गया था, जहां बाद में कछवाहा राजपूत मान सिंह प्रथम ने आमेर पर विजय प्राप्त करके राज की, और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान आमेर के इस प्रसिद्ध दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। बात करें आमेर शब्द की उत्पत्ति की, तो अंबर या आमेर शब्द माँ अंबा देवी से उद्धृत किया गया है। आमेर का किला अपने बड़े विशाल प्रांगण, तंग रस्तों और कई फाटकों के साथ अपनी अद्भुत चित्रकारी की हिंदू शैली में बनाई गई कलाकृतियों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। ये मुगल और राजपूत वास्तु कला का समावेशित रूप है, जिसे बनाने के लिए संगमरमर और लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया था। आमेर किले के नीचे स्थित महोठा झील इस जगह की खूबसूरती में कई चांद लगा देती है। आमेर किले की बात करते हैं तो राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से एक किला है ये, जिसकी भव्यता, भव्य स्थापत्य कला समृद्ध अतीत का एक अद्भुत प्रतीक माना जा सकता है। आमेर राजस्थान राज्य का एक शहर है और अब यह जयपुर नगर निगम का हिस्सा बन चुका है, जो 1727 तक कछवाहा राजपूतों की राजधानी क्षेत्र था। किले को बाहर से देखने पर यह एक चट्टानी किला लगता है, लेकिन अगर इसके भीतरी स्वरूप की बात करते हैं तो इसके निर्माण का स्वरूप, जिसमें वास्तुकला का जिस तरह से उपयोग किया गया है, वह इस किले में चार चांद दिखाई देते हैं। इसमें विशाल हॉल, शाही ढंग से डिजाइन किए गए महल, सुंदर मंदिर और बहुत ही खूबसूरत हरी घास का उद्यान शामिल है। किले की वास्तुकला की बात करें तो हिंदी और मुगल शैली का सही संयोजन से इसका निर्माण किया गया है। अंदरूनी काम को बहुत ही शानदार ढंग से दर्पण, पेंटिंग और नक्काशियों के साथ सजाया गया था। किले के परिसर को लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से सजाया गया, जहां के विशिष्ट भवन और स्थल बने हुए हैं उनमें दीवाने आम या सार्वजनिक दर्शकों के लिए बना हुआ हाल, दीवाने खास या निजी दर्शकों के लिए निर्मित हाल, शीश महल जिसे दर्पण महल कहा जाता है, साथ ही साथ जय मंदिर और सुख निवास प्रमुख स्थल हैं। अगर दर्शकों की बात करें, पर्यटकों की बात करें, तो इस आमेर के अद्भुत किले को देखने के लिए लगभग हर दिन 4000 से 5000 दर्शक देखने आते हैं। 2005 में किले के परिसर में 80 से अधिक हाथियों के ठहरने की सूचना मिली थी और यहाँ के मुख्य चैम्बर में 40 खंभों पर कीमती स्टोन्स लगे हुए हैं और पत्थरों पर विभिन्न सुंदर चित्रों की नक्काशी इस किले को एक अद्भुत रूप और हमारे अतीत के एक अद्भुत इतिहास का प्रमाण प्रस्तुत करती है। सुख निवास दीवाने आम के उल्टे दिशा में है, जिसमें चंदन की महत्वपूर्ण लकड़ी के दरवाजे हैं, जिन्हें हाथी दांत के साथ सजाया गया है, और कहा जाता है कि राजा अपनी रानियों के साथ समय बिताने के लिए इस जगह का प्रयोग किया करते थे, और यही कारण है कि इसे खुशनुमा पलों के भरपूर या सुख निवास के रूप में नाम दिया गया। शीश महल आमेर किले का प्रसिद्ध आकर्षण है, जिसमें कई दर्पण द्वार हैं, और इस हाल का निर्माण इस तरह से किया गया है कि जब भी सूरज के प्रकाश की एक किरण महल के अंदर प्रवेश करती है
तो यहाँ स्थापित अन्य दर्पणों के साथ मिलकर वह पूरे हाल को प्राकृतिक प्रकाश से रोशन कर देती है। और माना जाता है कि मोमबत्ती ही पूरे हाल को हल्का प्रकाश देने के लिए पर्याप्त हो जाती है। आमेर किले में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अद्भुत हैं, जो विशालतम हैं, जो हमारे अतीत का प्रदर्शन करती हैं, जो देखने लायक हैं, जैसे पुराने विशाल बर्तन, दरवाजे, वहाँ के औजार, संदूकें, चबूतरे और विशाल खाली स्थान इस किले की जगह की भव्यता की गाथा स्वयं खुद ब खुद कह देते हैं। आमेर किला साल में कभी भी देखा जा सकता है, खास तौर पर सितंबर से लेकर के अप्रैल तक का समय इस किले को देखने के लिए सबसे उत्तम, सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये तो हुई जयपुर के पास के आमेर किले की भव्यता और आमेर किले से जुड़े हुए इतिहास की बात। आने वाले अगले अंक में हम फिर से भारत के किसी ऐसे ही ऐतिहासिक किले की बातचीत करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।